बहुत लोग मुझे जान रहे हैं, बहुत लोग मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। एक शॉर्ट इंट्रो मैं अपना दे देता हूँ। मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। झारखंड में जो सिटी है गिरिडीह, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरी जो पढ़ाई हुई है वो बीटेक BIT सिंदरी से माइनिंग इंजीनियरिंग में, और MTech जो है वो ISM धनबाद से किया हूँ मैं। माइनिंग ज्ञान है कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, है कि अभी तक हम लोग के साथ लगभग 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। मतलब कोर्स, डिफरेंट डिफरेंट कोर्स लिए हुए हैं, जैसे गेट का हो गया, अभी CL माइनिंग सरदार, WCL माइनिंग सरदार, मॉक टेस्ट, इस तरीके से बहुत सारे कोर्स लिए हुए हैं। आज मतलब कुछ कुछ लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर कहीं ऐसा नहीं है ना कि पैसा डूब जाएगा, क्योंकि उन लोग का एक्सपीरियंस है कि कहीं कहीं पे और किसी जगह पेमेंट किए हुए हैं किसी और कोचिंग में। नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन है कि उनको कुछ पढ़ाया नहीं गया है और पैसा उनका चला गया, ऐसा हुआ है। तो वैसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। और अगर किसी को ऐसा होता है कि हाँ क्लास समझ में नहीं आ रहा है कि सर पैसा रिफंड कर दीजिए, उस चीज़ की भी मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर जो बोल देगा कि हाँ सर क्लास समझ में नहीं आ रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो पैसा भी ले सकता है। उसके लिए सिर्फ कॉल करना होगा, सर समझ में नहीं आ रहा है, पैसा दे दीजिए, ऐसा है। ठीक है, इसमें है कि तुम लोग को ही अच्छे से पढ़ाई करना होगा, जो पढ़ाया जाएगा उसको रिवीजन करना है और रेगुलर क्लास अटेंड करना है। ये नहीं कि आज क्लास देख लिए, 2 दिन के बाद फिर सो कर उठ रहे हैं, ऐसा वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए। मेहनत तो तुम लोग को ही करना है, हम लोग एक एक गाइड कर देंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। जो PPT एक बनाए हुए हैं UPSC को लेकर, मेनली इसमें क्या है कि ये जो लाइव क्लास होता है ना, ये जो लाइव क्लास माइनिंग ज्ञान ऐप जो है, लाइव क्लास होगा वहाँ पे। और इसमें बहुत सारे माइनिंग एग्जामिनेशन का जो बताया तैयारी करवाया जाता है। और ये कुछ 2-3 लाइन है उन लोगों के लिए है जो ECL या WCL में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। ठीक है ना, इसमें ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है, ठीक है ना, ईमानदारी से पढ़ाई करता है, ईमानदारी पूर्वक, तो है कि नौकरी में देरी हो सकती है लेकिन वह बेरोजगार नहीं रहेगा, इस चीज की गारंटी है। ईमानदारी पूर्वक रेगुलरली माइनिंग में क्या है कि मान लो माइनिंग में डेली तुम अगर 2 आवर पढ़ लेते हो ना, 2 घंटे खुद से भी पढ़ लेते हो ना, या जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन कर लेते हो, वो काफी है माइनिंग में किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। तो वही पहला है, क्या है, ईमानदारी पूर्वक, मतलब हाँ तुम खुद से सेटिस्फायर हो कि हाँ आज हम जो पढ़े हैं वो अच्छे से पढ़े हैं, ईमानदारी पूर्वक हम 2 घंटा 1 घंटा जो भी टाइम दिए हैं वो ईमानदारी पूर्वक दिए हुए हैं, कि उसमें मेरा दिमाग कहीं डाइवर्ट नहीं हुआ है, हम फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़े हैं, ऐसा होना चाहिए। सेकेंड में ये है कि जो पास नहीं किया है, ठीक है ना, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। क्यों, इसका एग्जाम्पल मैं अपना ही बता रहा हूँ। जब मान लो मेरा कॉलेज में, मतलब एक कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हुआ था, तो लगा था उसमें कि बहुत रोना आता था कि अरे यार प्लेसमेंट नहीं हुआ है, सबका प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसा सिचुएशन था। और आज हम कहाँ पे हैं, CCL में, गवर्नमेंट जॉब में। और उस टाइम जो बहुत लोग, जो टॉपर्स लोग या जो भी थे, जो प्राइवेट कंपनी ज्वाइन किए हुए थे, आज वो लोग इस कंपनी में आना चाहते हैं लेकिन उनका हो नहीं रहा है। तो इसलिए हम मान के हमेशा चलते हैं हम कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ऐसा एग्जाम्पल मैं अपना सिर्फ एक दिया हूँ, ऐसा मेरे साथ 3-4 बार हुआ है। इसलिए जो डिसक्वालीफाई हुआ है, जो क्वालिफाई नहीं कर पाया है, जो किसी कोई 1 मार्क से चूक गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये मान के चलो, और आगे कुछ अच्छे होगा, अच्छा ही होगा तुम लोग के साथ। अब फिर तुम लोग जब आज के दिन को याद करोगे तो लगेगा यार झूठ मूठ का हम उस टाइम परेशान हो रहे थे। ठीक है ना, और थर्ड चीज ये है कि जो हो चुकी है, मान लो एग्जाम का रिजल्ट हो गया है, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, उससे जितना जल्दी हो सके आगे निकलो, उससे बाहर निकलो उन चीजों से। हाँ
हाँ, लेकिन उस चीज में ये चीज का ध्यान रखना है कि जो गलती हम लोग पहले किए हुए हैं उस गलती को दोबारा दोहराना नहीं है, ठीक है ना। अब फ्यूचर के बारे में सोचना है कि हाँ नेक्स्ट एग्जाम ये आएगा वो आएगा, ऐसा करके फ्यूचर के बारे में सोचकर वर्तमान में अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। आज जो पास फेल कर गया मान लो वो रो रहा है, जैसे कुछ कुछ लोग फोन कर रहे हैं कि सर कैसे क्या होगा वो ऐसा, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो हो चुका है हम उसको कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वो मेरा पास्ट हो चुका है, तो पास्ट के बारे में टेंशन लेकर कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब है कि आने वाले एग्जाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना है। और हाँ, फर्स्ट से यही सीख लेना है, यही लर्निंग लेना है क्या, कि जो मिस्टेक किए हैं फर्स्ट एग में वो अभी मिस्टेक दोबारा ना हो। इसे होता है ना, बहुत लोग होता है कि अरे यार कोचिंग क्या करना माइनिंग में, बहुत लोग बोलते हैं यार कोचिंग क्या करना है माइनिंग में, खुद से तैयारी हो जाएगा। वैसे ही बहुत लोग होते हैं हाँ खुद से निकाल लेते, लेकिन बहुत लोग होते हैं कि 2000 3000 देख कर वो छोड़ देते हैं कि चलो खुद से तैयारी करते हैं, उसमें उनका 1 साल बर्बाद हो जाता है। तो वैसा नहीं, जहाँ जिनको लगता है कि यहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है वहाँ उस ज्वाइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 हज़ार रुपये में लगाकर घर बैठे सारा चीज़ मिल रहा है, किसी भी कोचिंग में मिल रहा है, हम इसी कोचिंग की बात नहीं बोल रहे हैं, कहीं भी अगर मिल रहा है तो ज्वाइन कर ले, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। अब आते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्स जो हम लोगों में है, जैसे हम लोग तो है कि माइनिंग सरदार ओवरमैन का भी कोर्सेज वगैरह है, तो उसमें जो भी था CMR, माइंस एक्ट, माइंस रूल, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रूल, माइंस रेस्क्यू रूल, MBTR, माइंस स्क्रैच रूल्स, वेंटिलेशन, माइन गैसेस इन्वायरमेंट, ओपन कास्ट माइनिंग मशीनरी, अंडरग्राउंड माइनिंग मशीनरी, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग, माइन पंप, और साथ में DJ देशमुख एक्स्ट्रा ऐड किया गया है क्योंकि ACL एग्जाम में आया हुआ था, तो ये सारा कोर्स मतलब कंप्लीट करवाया जाएगा। ऐसा है ये ओवरमैन माइनिंग सरदार के लिए, मतलब क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। ये तो हो गया। अब बाकी है UPPSC, जो आज हम लोग का मेन टॉपिक है, UPPSC माइंस इंस्पेक्टर। अब है ना कि बहुत लोग बोल रहे हैं सर इसे मेंस एग्जामिनेशन है, उसमें क्या है थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी लिखना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारे एग्जाम के लिए फायदा है। थ्योरी पढ़ोगे मतलब वो डिटेल में तुम पढ़ रहे हो, तो इसके कारण क्या हो सकता है कि और मान लो अभी UPPSC का है और साथ में कोई एग्जाम निकल जाए, तो साथ में तैयारी कंटिन्यू चलते रहेगा। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, फॉर्म भरो, सभी लोग फॉर्म भरो, और फॉर्म का फी भी बहुत कम है, फी के बारे में आगे बताएंगे, फी भी बहुत कम है, नॉमिनल फी है फॉर्म का, फॉर्म भर दो, एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि इससे है कि लय तुम लोग का बरकरार रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा ECL WCL के बारे में सोचते रह जाओगे। हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, मेरी हैंडराइटिंग देखते हो, हम जब भी अनुराग ऑनलाइन क्लास लिए हैं मेरी हैंडराइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन है कि वहाँ पॉइंट वाइज लिखना है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उतनी भी खराब हैंडराइटिंग नहीं है कि कोई पढ़ नहीं पाए। अनुराग वैसा सिचुएशन होना चाहिए कि पूरा लपेट के मत लिख दो, लिखो थोड़ा फ्रेश फ्रेश लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सामने वालों को लिए पढ़ के हल्का सा समझ में आ जाए, उसको पढ़ने लायक हो जाए, बस वैसा ही लिखना है। तो UPPSC माइंस इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी आया हुआ है उसका जो स्टार्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का, वो 4 जुलाई, 4 जून से स्टार्ट है और लास्ट डेट है वो 4 जुलाई है, और जो ऑनलाइन फी पेमेंट करना है वो लास्ट डेट 1 जुलाई तक है, मतलब 1 जुलाई तक तुम लोग को पेमेंट कंप्लीट कर देना है, भले तुम लोग फॉर्म 4 तारीख को सबमिट करो, ठीक है ना। फी का ऑप्शन पहले आता है तो फी पहले पे कर देना है ऑन और बिफोर 1 जुलाई। अब इसमें बता रहे थे फी के बारे में, एप्लीकेशन फी देख लो, जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं ठीक है, जो फॉर्म फिल कर दिए हो ठीक है, जो नहीं किए हो वो भी फॉर्म फिल कर दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनरिजर्व वालों के लिए कितना फी है देख लो, 125 रुपया, मतलब 25 तो प्रोसेसिंग फी है। SC वालों के लिए, ST वालों के लिए 40 और 25 65 हो गया, एंड जो PH कैंडिडेट है तो उसके लिए 25 हो गया, एग्जाम फी नील हो गया, सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी लग रहा है, और एक सर्विस मैन है तो उसके लिए भी 65 है। इसलिए फॉर्म सभी लोग फिल करो, तुम लोग के भी जो फ्रेंड हैं उन लोग को भी बोलो फॉर्म फिल करने के लिए, कि एग्जाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दिया है, नहीं तो जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं ECL WCL में वो ECL WCL के बारे में ही सोचते रह जाएंगे, ऐसा सिचुएशन होने वाला है।
जो नंबर ऑफ वैकेंसीज, इसमें कैटेगरी वाइज क्लियर नहीं किया हुआ कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो 55 है। अब वो हो सकता है कि इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। वो लिख देता है कंडीशन कि अगर कुछ सिचुएशन ऐसा आ जाए तो वैकेंसी के नंबर को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। ये जो ग्रुप सी का पोस्ट है, इसमें जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो 44,900 से लेकर 1,42,400। मतलब अगर मान लो किसी को कुछ नहीं होता है, माइनिंग इंस्पेक्टर के पोस्ट पे ही रह जाता है, ठीक है ना, तो हाईएस्ट जो बेसिक जाता है वो 1,42,400 के लगभग, मतलब वहां तक चला जाएगा। 3% जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है उसके अनुसार। लेकिन इसमें जो ऑन एन एवरेज जो पैसा मिलेगा वो हो सकता है अप्रोक्स 60,000 के लगभग, मतलब सैलरी मिलना चाहिए इसमें। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में हो गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें बहुत लोग बोल रहे सर डिग्री वाले हैं हम लोग फिल कर सकते हैं क्या, तो इसमें इसेंशियल में मांगा है। एक इसेंशियल होता है, एक डिजायरेबल होता है ना। अगर डिजायरेबल में रहता है कि हाँ बीटेक एमटेक रहे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इसेंशियल मांगा है, मतलब जो जरूरी है, अत्यंत आवश्यक वगैरह बोलो, तो हो गया 3 ईयर्स डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो डिप्लोमा वाले ही इसको फिल कर सकते हैं, जिनके पास डिप्लोमा का, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट है। एज लिमिट क्या है इसमें, लोअर एज लिमिट भी है, अपर एज लिमिट है। लोअर एज लिमिट 21, 21 से कम नहीं होना चाहिए। अपर एज लिमिट 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब 21 से 40 एज तक वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें क्या है, जो रिजर्वेशन है, ठीक है ना, रिजर्वेशन का क्या है इसमें, मान लो किसी भी, हाँ ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, यस नो आ रहा है तो वही यस वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। रिजर्वेशन का क्या है, मान लो तुम झारखंड के हो और अदर स्टेट में अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। जो यूपी का है तो वो सारे रिजर्वेशन के एडवांटेज ले सकता है, एससी एसटी पीएचई डब्ल्यूएस सारे का, ठीक है ना। लेकिन जो अदर स्टेट का है, हाँ, यूजीसी वही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यूजीसी है, एसीटी सब एक ही है लगभग, तो वो सारा चलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ डिप्लोमा होना चाहिए कि हाँ उसके पास डिप्लोमा माइनिंग में, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन में है, ठीक है। रिजर्वेशन है क्या कि अदर स्टेट वाले वहाँ पर रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, जो यूपी का है वो बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें ये है कि जो यूपी वाले हैं और अगर वो किसी कैटेगरी के हैं तो उनका सिलेक्शन का चांस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यूपी वगैरह के बहुत कम ही लोग इधर माइनिंग में कर रहे हैं, कुछ कुछ ही लोग हैं, बाकी लोग तो अपना अलग ही पढ़ाई करते हैं, माइनिंग वगैरह में बहुत कम ही जाते हैं। तो इसलिए अगर यूपी का कोई माइनिंग का स्टूडेंट है मान लो, तो फिर उसके लिए ये वैकेंसी बहुत ही अच्छा है, सिलेक्शन का चांस बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा प्रशांत तुम हो ना, तो ठीक है, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। जो मिनिमम है, अब होता है कि कितना मार्क्स लाने पे होता है ना कि हम मेरिट लिस्ट में नाम वगैरह आने के चांस है। तो मान लो एस सी एस टी वालों के लिए, मान लो प्रीलिम्स हो रहा है 200, प्रीलिम्स हो रहा है 300 मार्क्स का, ठीक है ना, 300 मार्क्स का, तो 300 मार्क्स का 35% कितना, 105 मार्क्स के लगभग हो है ना, 105 मार्क्स, मतलब मिनिमम 105 मार्क्स जो लाएगा ना। हाँ, जिनके पास एनसीसी वगैरह सर्टिफिकेट वो भी प्रिफरेंस है, लेकिन उन लोग बहुत रेयर ही किसी के पास होता है, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं जा रहा हूँ डिटेल में। मतलब एस सी एस टी वालों कैंडिडेट के लिए क्या है कि 200 300 में 105 मार्क्स लाना है, ठीक है ना। 300 में 105 मार्क्स लाने पे ये होगा कि हाँ चलो, अब है कि एस सी एस टी का जो कट ऑफ जाएगा, मान लो 105 मार्क्स आया लेकिन कट ऑफ गया 120, तो 120 वाले से जो भी ऊपर आए होंगे सबका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा प्रीलिम्स क्वालिफिकेशन। और उसी तरीके से जनरल वालों के लिए क्या है, वो मिनिमम 40% तो लाना है ही, मिनिमम जो मार्क्स लाना है वो 40% लाना है। और 40% ज़्यादा जो कट ऑफ डिसाइड हो जाए, उससे जो ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसका प्रीलिम्स के जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें नाम आ जाएगा उसका। हाँ आगे आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है। अभी जो प्रीलिम्स भर रहे हो ना, प्रीलिम्स के लिए क्या है, हाँ ठीक ना, लेटरल एंट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीलिम्स का ये है क्या, इसमें प्रीलिम्स में जो ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो तो उसमें कुछ भी जेरोक्स वगैरह कुछ भी सेंड करने का जरूरत नहीं है, स्पीड पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। प्रीलिम्स में इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी स्कीम है, 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है,
ठीक है ना, मान लो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉर विच ए रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू दैट क्वेश्चन, मतलब अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 2/3 उसका माइनस मार्किंग हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा है। अब मान लो जितना 55 वैकेंसीज है ना, तो 55 × 15 कर दो, कितना हो जाएगा 55 × 15, 550, 25, 825 है ना, 825 कैंडिडेट को वो मेंस के लिए क्वालिफाई करेगा, जब प्रीलिम्स मतलब मेंस में अपेयर हो सकेगा 825 कैंडिडेट, क्योंकि उसका 15 गुना रिजल्ट देगा वो। अब 825 में जो मेंस में क्वालिफाई करेगा टॉप 55 जो बनेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब थोड़ा आ जाते हैं कि क्या क्या कौन से सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल स्टडी, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, मैक्सिमम मार्क्स 50, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। जनरल हिंदी बहुत इजी है, इस दोनों कोई दिक्कत नहीं है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। माइनिंग इंजीनियरिंग 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, टोटल क्वेश्चन हो गए 150 और टोटल मार्क्स हो गए 300। टाइम पीरियड कितना रहेगा, 2 आवर्स का रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर रहेगा। और इसमें एक एडवांटेज ये है कि तुम लोग का जो OMR सीट बनेगा ना, OMR सीट जो तुम लोग को मिलेगा, एक कॉपी हो गया, मान लो ये कॉपी हो गया ओरिजिनल जिसमें तुम लोग OMR फिल कर रहे हो, बीच में कार्बन आ गया, फिर एक OMR सीट रहेगा कि ये जो जेरोक्स बन मतलब जिसमें कार्बन कॉपी है ना, वो तुम लोग घर ले जा सकोगे एग्जाम देने के बाद, ठीक है ना। ये जो कार्बन कॉपी है वो यहाँ पे दे रहे, एग्जाम जब होगा तो तुम लोग को 2 कॉपी स्टार्टिंग में ही दिया जाएगा, बीच में कार्बन लगा हुआ रहेगा, ये जो कार्बन कॉपी है ये तुम लोग अपने साथ ले जा पाओगे घर, और ये है कि वहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। तो बाद में है कि तुम लोग आंसर शीट वगैरह इजीली मैच कर सकते हो, जो अगर आंसर कभी ये जारी करता है तो। ये हो गया प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है ना। प्रीलिम्स के बाद आता है मेंस। मेंस में क्या है, टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें क्या है, सेक्शन ए है सेक्शन बी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है ही, उसको छोड़ नहीं सकता है कोई, ठीक है ना। और टोटल क्वेश्चन जो रहेगा ओवरऑल वो टोटल क्वेश्चन 8 है, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 है। 8 में 1 क्वेश्चन तुमको ऑलरेडी वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंपलसरी है, तो बाकी क्वेश्चन बच गए 7। 7 में तुम लोग कितना क्वेश्चन बनाना है, 4 क्वेश्चन और बनाना है। और इसमें क्या है, जो सेक्शन ए सेक्शन बी है ना, तो इच सेक्शन से मिनिमम 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है, इच सेक्शन से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है। और टोटल लेकिन ओवरऑल कितना क्वेश्चन सिलेक्ट अटेम्प्ट करना है, 5 क्वेश्चन। मान लो सेक्शन ए के अंदर ही आ गया क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और तुम मान लो दूसरा नंबर से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, अब मान लो यहाँ से 2 ही क्वेश्चन बन रहा है, तो जो सेक्शन बी है वहां से तुम लोग को 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, प्रत्येक क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का होगा। और इसमें हो सकता है कि जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बने, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों हो सकता है कि मिक्स क्वेश्चन रहे, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल, ठीक है ना। क्या है, मेंस प्रीवियस क्वेश्चन है, मेंस का ही टेंशन है, सब प्री के लिए तो डब्ल्यू सी रिसेलम प्रिपरेशन हुआ है। हाँ, मेंस का भी कोई टेंशन नहीं है, मेंस में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो हम लोग क्लास में करवाएंगे तो तुम लोग का सारा नोट्स मिला हुआ रहेगा, उसी को अपने समझ से याद कर लो या माइंड में सेट कर लो कि तुमको वो लिख देना है अच्छे से, पूरा मेंस का नोट्स तैयारी करवाया जाएगा, मतलब मेंस का डिटेल में पढ़ाया जाएगा, साथ में जो क्वेश्चन क्या क्या बन पाएगा वो क्वेश्चन भी करवाया जाएगा साथ में। तो उससे है कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और जिस जिस चैप्टर से न्यूमेरिकल बनने वाला है वहां पे न्यूमेरिकल भी करवाया जाएगा। अब थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस है। तो पहला क्या है, जियोलॉजी वाला जो सेक्शन है ना, माइनिंग जियोलॉजी एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी, ये जो माइनिंग इंजीनियरिंग का सेक्शन है, ठीक है ना।
तो बहुत ही इजी है इसमें, थोड़ा अर्थ के बारे में, इंटीरियर कंस्टिट्यूशन ऑफ इंटीरियर, अर्थ इंटीरियर, जो अर्थ के अंदर क्या क्या होता है ना, वो सारा चीज़ के बारे में पढ़ना, अर्थ को एक वोल्केनो, वेदरिंग, मिनरोलॉजी के बारे में पढ़ना है, पेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ना है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रॉक होता है ना, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक, फिर स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में डीप स्ट्राइक, फोल्ड फॉल्ट्स, ज्वाइंट ज्वाइंट सेट्स, इस टाइप से वो यहाँ से पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ से हो सकता है थोड़ा छोटा डिफिनेशन दे दे, फोल्ड क्या होता है, फोल्ट क्या होता है, ज्वाइंट क्या होता है, ज्वाइंट सेट क्या होता है, इस टाइप से डिफिनेशन वगैरह भी क्वेश्चन, डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। फिर है ओरिजिन ऑफ कॉल, की कॉल का कैसे ओरिजिन हुआ है, इंडियन कॉल्स का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया है, वो सारा चीज़ तुम लोग को जियोलॉजी में कवर करवाया जाएगा। सेकेंड आता है माइन सर्वेइंग, माइन सर्वेइंग में हो गया प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, फिर डिस्टेंस मेजरमेंट करने क्या टेक्निक था ना, पेसोमीटर, पेडोमीटर, इस तरीके से था जो इंस्ट्रूमेंट, वो हो गया चेन सर्वेइंग, हो गया एरिया और वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंडरग्राउंड सर्वेइंग का क्या प्रिंसिपल है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है, थियोडोलाइट, सुपर एलिवेशन, कर्व फिटिंग, कोरिलेशन था ना, विस्बेक ट्रायंगल मेथड वगैरह वाला, ये सारा चीज़ तुम लोग को पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा, कि एग्जाम में जो आए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया जाएगा। क्या पूछ रहे हो जसिम से, प्रीवियस क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन अभी तक तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के लिए हम लोग उपाय कर रहे हैं, कहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा तो क्वेश्चन भी तुम लोग बता दिया जाएगा क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। एक दो लोगों से कांटेक्ट किए हुए हैं जो इसका एग्जाम में अपियर हो चुके हैं पास्ट में, ठीक है ना। अब मेन है कि माइनिंग टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है, मोड ऑफ एंट्री टू सरफेस एंड अंडरग्राउंड माइंस, मतलब इंक्लाइन हो गया, एडिट हो गया, शाफ्ट हो गया, वो सब सारा डिटेल पढ़ना है। शाफ्ट सिंकिंग का क्या क्या मेथड है, सीमेंटेशन मेथड, फ्रीजिंग मेथड करके है ना, बहुत सारा मेथड, फिर शाफ्ट का लाइनिंग कैसे करते हैं, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग हो गया, मेथड ऑफ माइनिंग कोयला और मेटेलिफेरस डिपॉजिट का, रूफ सपोर्ट क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ रूफ सपोर्ट है ना, रूफ बोल्टिंग क्या होता है, रूफ बोल्टिंग का प्रिंसिपल क्या है, पावर सपोर्ट, प्रॉप सपोर्ट, मतलब सारा एक्टिव पैसिव सारा सपोर्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, माइन लाइटिंग के बारे में, कैप लैंप, लैंप रूम, इलेक्ट्रिक लैंप, माइन लाइटिंग टेक्निक वगैरह के बारे में डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हो सकता है कि जहाँ जहाँ रेगुलेशन से लिंक करना पड़े वहाँ पे रेगुलेशन से भी लिंक करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि रेगुलेशन से अगर रेगुलेशन वाइज तुम लोग भी आंसर लिखोगे मान लो किसी भी क्वेश्चन का, तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, मार्क्स ज़्यादा मिलने का चांस रहेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग में, जैसे मिसफायर वगैरह का जो रेगुलेशन दिया हुआ है कैसे उसको हैंडलिंग करना है, तो रेगुलेशन से भी तुम लोग साथ में वहाँ पे क्वेश्चन आंसर जब करवाया जाएगा तो वहाँ भी लिखवा दिया जाएगा, ठीक है ना, ऐसा है। फिर माइन ट्रांसपोर्ट एंड मशीनरी, मान लो ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइन्स हो गया, ठीक है ना, तो उसमें कौन कौन सा मशीनरी यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसका अप्लीकेबिलिटी कंडीशन क्या है, किस ग्रेडियंट पे काम करता है, उस तरीके से सारा मशीनरी हो गया, उसका क्या फीचर्स है, क्या अप्लीकेबिलिटी है, वो सारा रहेगा। नोट्स इंग्लिश में ही मिलेगा, नोट्स तो हिंदी में मिलना मुश्किल है यार, क्योंकि इंग्लिश में ही नोट्स बनेगा, हिंदी में क्या है कि तुम लोग फिर अगर कोई हिंदी वाला स्पेशली हो गए तो तुम लोग को फिर वो आता है ना वो चेंज करने के लिए इंग्लिश टू हिंदी, तो वैसा चेंज करना होगा, लेकिन इंग्लिश में ही दो वही सही रहेगा, हिंदी में बहुत ऐसा वर्ड होता है कि जिसका मीनिंग किसी को समझ में ही नहीं आता। हाँ, अगर जिसको देना है हिंदी में वो हिंदी में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे क्लास में पढ़ाया जो जाएगा, जैसे मान लो अभी हम कैसे समझा रहे हैं है ना, क्या क्या पढ़ना है, उसी तरीके से वहाँ पे इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके समझाया जाएगा, तो जो हिंदी में लिख पाओगे हिंदी में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, जो इंग्लिश में लिख पाओगे इंग्लिश में लिखना, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, माइन से मान लो कोयला निकल गया है, अब उसको साइडिंग में लेके जाना है, या उसको मान लो कन्वेयर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, या डंपर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, हाईवा यूज कर रहे हैं, तो वो क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो सारा पढ़ाया जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइन्स पम्प पढ़ाया जाएगा, माइन पम्प। अब नेक्स्ट क्या चैप्टर है, रॉक मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल, इसमें रॉक का क्या प्रॉपर्टीज होता है,
फिर रॉक मास का क्लासिफिकेशन किस किस के बेसिस पे किया गया है, बेनिस्की हो गया, आरक्यूडी हो गया, इस तरीके से बहुत सारा रॉक मास क्लासिफिकेशन सिस्टम है। एक सिम्फर ISM का भी क्लासिफिकेशन है, वो सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा। माइन सब्सिडेंस हो गया, अस्टोइंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, ग्राउंड कंट्रोल और पिट स्लोप के बारे में। हाँ, बाटन का क्यों सिस्टम था ना, वही सब। हीट एंड ह्यूमिडिटी हो गया, ये किस किस के कारण सोर्सेज ऑफ हीट इन अंडरग्राउंड माइंस हो गया, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वगैरह जो होता है वो हो गया है, ड्राई बल्ब WBT क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सारा हो गया। फिर ह्यूमन बॉडी पे या कोई काम कर रहा है तो उस पर हीट और ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होता है, एयर वेलोसिटी का क्या इफेक्ट होता है, ये सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है, हमको लग रहा है यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ना, सोर्सेज ऑफ हीट इन अंडरग्राउंड माइंस, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, पढ़ाया जाएगा बाद में क्लास जब स्टार्ट होगा तो। इसी तरीके से माइन इन्वायरमेंट के बारे में डिटेल है ये, तो मतलब सारा चीज़ तुम लोग को पढ़ाया जाएगा, कोई चीज़ छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, लगता है कि हाँ कभी नहीं आ सकता एग्जाम में, तो भले वो हम लोग स्किप कर दें, लेकिन अगर वैसा कुछ लगेगा तो, नहीं तो सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। ये वेंटिलेशन का हो गया, पूरा फैन के बारे में हो गया, एन VP हो गया, नेचुरल वेंटिलेशन हो गया, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो गया है ना, इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, माइन एक्सप्लोजन हो गया, क्वास डायग्राम हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन हो गया, वेंटिलेशन सर्वे इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है, वेंटिलेशन इफिशियंट क्वोशेंट, ये सारा चीज़ जो है डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारा का है कि तुम लोग जो कोर्स लिए होगे वहाँ पे भी वीडियो डाला हुआ है, तो वहाँ पे तुम लोग अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो, अभी 4-5 दिन टाइम है ना, ये तुम लोग वहाँ पे वेंटिलेशन में ये सारा चीज़ पढ़ाया हुआ है, मिल जाएगा। क्लास जो है 16 जून से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। लास्ट में आता है माइंड लेजिलेशन एंड सेफ्टी, साथ में तुम लोग क्या है मॉक टेस्ट भी होते रहेगा। इससे क्या होगा कि एग्जाम के लिए तुम लोग का पहले से ही MCQ प्रीलिम्स का तैयारी होते रहेगा कंटिन्यू, ठीक है ना। और मेंस का क्या है, तुम लोग को याद करना होगा, समझ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ के ही याद करना है, वैसा ही करना है। और लेजिलेशन हो गया, CMR, ये सारा तुम लोग का वीडियो अपलोड है, अभी भी से तुम लोग देख सकते हो वीडियो, ठीक है ना। ये सिलेबस के बारे में हो गया, बाकी ये जनरल स्टडी का सिलेबस है, इसके लिए एक राम सर है हम लोग के पास, उनके पास 12 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो राम सर ये सारा चीज़ को अच्छे से तुम लोग को, इसका वीडियो तुम लोग के पास से अवेलेबल हो जाएगा तुरंत, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्ज़ाम का फॉर्म भरो जो अभी तक नहीं भरे हो, और 16 जून से क्लास स्टार्ट हो रहा है, एकदम तैयारी में भिड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी बहुत ही ईजी है, मतलब 25 मार्क्स का है ना, 50 मार्क्स का है ना, 25 क्वेश्चन, फुल का फुल तुम लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हिंदी में। उल्टा शब्द हो गया ना विलोम, पढ़ते हो गए हिंदी में, कोई अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है मान लो, उसको शुद्ध करना है, वैसा वाला है। राम सर हैं छत्तीसगढ़ के, ठीक है ना, ये सारा चीज भी तुम लोगों को कवर करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, टाइमिंग वे आ रहे हैं, एक टाइमिंग जो होगा तुम लोगों का, मान लो ज्यादा चांस है कि टाइमिंग सुबह और शाम में ही होगा, तो सुबह में हो सकता है कि 7 बजे से लेके, जैसा टाइमिंग एडजस्ट हो, 7 से लेके 10 बजे तक में सुबह में, ठीक है ना। हो सकता है किसी दिन 7 से 8 हो जाए, किसी दिन हो सकता है 7:30 to 8:30 हो जाए ऐसा, लेकिन 10 बजे के बाद नहीं होगा, कि 11-12 बजे वैसा नहीं होगा। हाँ, व्याकरण वगैरह के लिए एक बुक रिकमेंडेशन कर देंगे तुम लोग के लिए, मैं झारखंड से हूँ, झारखंड गिरिडीह से, ठीक है। और शाम में जो टाइमिंग रहेगा क्लास का, वो हो सकता है after 4 PM, ठीक है ना, after 4 after 5, मतलब इसके बाद होगा, मतलब क्लास जब भी होगा तो तुम लोगों को नोटिफिकेशन पहले ही दे दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो किसी दिन होता है कि हाँ तुम लोग मिस कर जाते हो क्लास, क्लास तो 4 से 7 रहता है ना, किसका, विश्वजीत वेदिया, किसी से क्लास करते हो विश्वजीत, 4 to 7, ओवरमैन की क्लास, अच्छा ठीक है ना। वो टाइमिंग अगर मान लो क्लास मिस होता, मान लो क्लास के टाइमिंग 4 से 7,
मतलब जैसा है कि जो फैकल्टी जो है ना, जैसे मान लो एक रहेंगे इसमें पढ़ाने के लिए, एक जो विनोद सर हैं वो रहेंगे, एक मैं ही रहूंगा और एक सिकंदर सर रहेंगे, ठीक है ना। माइनिंग वाला जो पर्सन है, हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग ये तीन लोग मिलकर खत्म कर दें। सर्वेइंग से लेके इधर जियोलॉजी के लिए अलग है, और हिंदी के लिए अलग रहेंगे, और जीके वालों के लिए अलग सर है, ठीक है ना। तो वही है कि क्लास का टाइमिंग सुबह में 7 से 10 बजे के बीच हो सकता है, और शाम में after 4 PM, ठीक है ना। हो सकता है 8 बजे भी हो जाए, 8:30 बजे हो जाए, शाम में ऐसा हो सकता है 7:30 हो जाए। तो क्लास का पहले ही मिल जाएगा, होता है ना इसमें कि अगर मान लो कोई क्लास मिस कर जाते हो, ठीक ना, तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो after 1 hour अवेलेबल हो जाता है। तो 1 hour 1 घंटे के बाद वो वीडियो देख सकते हो। फी क्या रहेगी? फी इसमें 3000 है, ठीक है ना। और अभी स्टार्टिंग में है क्या कि first 50 वालों के लिए 20% डिस्काउंट चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट लग रहा फुल हो चुकी है first 50। कुछ कूपन बचा हुआ होगा, नहीं तो कूपन हो सकता है यूज भी नहीं हो पाएगा। वो जो कूपन कोड है यूज करने के लिए UPMI20, ये क्लियरली तुम लोग का नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो ये कोड यूज करके तुम लोग 20% का डिस्काउंट ले सकते हो। और अभी ही उसमें वीडियो डाल दिया गया है, बहुत सारा वीडियो है कि तुम लोग देख सकते हो अभी से वीडियो। कुछ कुछ कूपन तो वहां पे अवेलेबल था, ठीक है। जो कूपन नहीं लगाया क्या सोचना उसके बारे में। अब बाकी है कि हाँ, ये 20% का अभी कुछ हमको लगता है बचा हुआ है, ज्यादा बचा हुआ नहीं है, क्योंकि वो first 50 स्टूडेंट वालों के लिए था, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, तो अभी भी जो कोर्स नहीं लिए हुए हैं तो UPMI20 कोड यूज करके वो 20% का बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। और कोर्स का जो डिमांड लो, 4 जुलाई तक कोर्स, मतलब 4 जुलाई तक तो फॉर्म ही फिलअप होगा ना। तो हम लोग का टारगेट है कि मान लो 4 जुलाई तक फॉर्म फिलअप होगा, 1 महीने तक उन लोग फिर वेरिफिकेशन वगैरह कुछ करेंगे, फिर एग्जाम सेंटर डिसाइड करेंगे। तो हम लोग के पास है कि टाइमिंग जो 3 to 4 month मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्टिंग में टारगेट ये रहेगा कि 3 से 4 महीने के अंदर कोर्स रेगुलर क्लासों के कोर्स कंप्लीट हो जाए, और ये कोर्स की वैलिडिटी रहेगी जब तक UPPSC माइंस इंस्पेक्टर का एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है ना। UPPSC माइंस इंस्पेक्टर एग्जाम का रिजल्ट आ जाए तब तो कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। अभी हम लोग बिहार माइंस इंस्पेक्टर की तैयारी करवाए हुए थे, उसमें लेजिस्लेशन का जो था ना सब्जेक्ट वो वाला, क्योंकि तो हम लोग बहुत लास्ट मोमेंट पे स्टार्ट किए थे, क्योंकि तो बहुत लोग कह रहे थे सर कुछ तो पढ़ा दीजिए कम से कम। तो उसमें लेजिस्लेशन का पोर्शन स्टार्ट करवाया गया था, तो उसमें था कि मात्र हमको लग रहा 8 ही दिन क्लास लिए थे, एक एक अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक। अच्छा मई में था क्लास, शायद जून है, 1 से 8 तक क्लास हुआ था। उसमें कि 12 लोग, मतलब इस लेसन से जितना पढ़ाया गया था ना 90% क्वेश्चन वहीं से आ गया था, ऐसा था। तो एग्जाम में होता है किसी किसी में कि सारा क्वेश्चन आ जाए। तो ठीक, और किसी को कुछ डाउट है? सारा कोर्स फी वगैरह के बारे में बता दिया गया है, तुम लोग भी जहां हो सकते हो शेयर करो कि 16 जून से क्लास स्टार्ट होने वाला है।